हम ऐसे कई तरह की बातें सुनते हैं जिन पर विश्वास कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन यह बहुत ही रोमांचित करने वाली होती हैं। इनमें भूत प्रेत की कहानियाँ, राक्षस व्यक्तियों की कहानियाँ और नाग नागिन की कहानियाँ शामिल हैं। नाग नागिन को लेकर हमारे मन में ऐसे कई सवाल होते हैं जिनके बारे में सही जवाब नहीं मिलता। क्या वाकई इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? क्या उनका वाकई कोई अस्तित्व है? ग्रंथों के मुताबिक इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें कहा जाता है जो कि इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं, हालांकि वह किसी भी वक्त सांप का रूप ले सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में धरती पर कई देवताओं ने अवतार लिया था, जिसमें से कई ने सांप के रूप में भी जन्म लिया। हमारे ग्रंथ में इच्छाधारी नाग नागिन की सारी कहानी मौजूद है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन होने की बात साबित होती है। इच्छाधारी नाग नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है। इस रत्न को नागमणि के रूप में जाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि होती है वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है और वह जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नागमणि उन्हें मिलती कैसे है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कोई नाग या नागिन 100 वर्ष के कठिन तप को पूरा कर लेता है तब वह इस नागमणि का अधिकारी हो जाता है। तब स्वयं भगवान शिव उस नाग या नागिन को अपने हाथों से वह नागमणि देते हैं। इसी नागमणि की सहायता से नाग या नागिन इच्छाधारी नाग नागिन बनता है। नागमणि के साथ ही उस नाग नागिन को कई शक्तियाँ व सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। इच्छाधारी नाग और नागिन किसी भी इंसान व जीव का रूप धारण कर सकते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन की प्रजाति कोबरा या फिर कोई अन्य नाग भी हो सकता है। पुराणों के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन जंगलों व गुफाओं में छिप कर रहते हैं। इसका कारण इंसानी लालच बताया जाता है, क्योंकि इंसान इच्छाधारी नाग नागिन को मारकर उनसे नागमणि हासिल करना चाहता है। इसलिए इच्छाधारी नाग नागिन ऐसी जगह रहते हैं जहाँ इंसान उन तक ना पहुँच सके। हमें अपने प्राचीन ग्रंथों, पुराणों व इतिहास में कई बार इच्छाधारी नाग व नागिन का जिक्र मिलता है। भगवान शिव जी के गले में जो वासुकी नाग है वह भी इच्छाधारी नाग है, जो अपना रूप बदलते हैं और एक इंसान के रूप में आ जाते हैं। भगवान विष्णु की शैया शेष नाग भी इच्छाधारी थे। इन्हें भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया था। रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी नाग कन्या थी। महाभारत में भी इच्छाधारी नाग नागिन का कई बार जिक्र मिलता है। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी इच्छाधारी नाग कन्या थी। महाभारत युद्ध में भी इच्छाधारी नाग तक्षक का जिक्र मिलता है, जिसने छल से अर्जुन को मारने का प्रयास किया था, पर भगवान श्री कृष्ण ने तक्षक के इस प्रयास को विफल कर दिया था। भीम पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से हुआ था, जिसका नाम अहिल्वती था। इन्हीं के पुत्र वीर योद्धा बर्बरिक थे। भारत ही नहीं अन्य देशों में भी इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र मिलता है। चीन की पौराणिक कथा के अनुसार ए मैसान पर्वत पर दो सांप रहते थे, जिनमें से एक सांप सफेद और दूसरा हरा था। दोनों सांप 1000 वर्ष तक तपस्या के बाद दो सुंदर औरत बन जाते हैं और प्राचीन शहर सीहून के नजदीक झील में रहने लगते हैं। ऐसी कथाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं। कई बार इच्छाधारी नाग नागिन को देखने की बात कही गई है, तो कई बार नागमणि देखने की। नागमणि के लालच में आकर हर वर्ष कई सांपों को इंसान मार देते हैं। विज्ञान इच्छाधारी नाग व नागिन के अस्तित्व को नकारता है, पर आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर आज तक वैज्ञानिक खोज नहीं हुई, और इच्छाधारी नाग नागिन भी उनमें से एक हैं। इच्छाधारी नाग नागिन वास्तव में हैं या नहीं, ये आज भी एक रहस्य है।